मित्रता कृष्ण सुदामा जैसी व मुक्ति राजा परीक्षित जैसी होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही भाव राजस्थान केकड़ी से पधारे भगवत प्रवक्ता पंडित गौरी शंकर शर्मा ने माहेश्वरी समाज एवं माहेश्वरी महिला मंडल रूनीजा द्वारा आयोजित भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का सातवें दिवस कथा विश्राम के पूर्व व्यासपीठ से प्रकट किए। पंडित शर्मा ने कहा कि दुनिया में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जैसे कि राजा परीक्षित की हुई। उन्होंने सात दिवस तक अपना पूरा तन मन भगवान को समर्पित कर दिया और भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त किया। कृष्ण सुदामा का चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मित्रता में अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए, मित्रता कृष्ण सुदामा जैसी होनी चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे तो उनके मित्र सुदामा गरीब ब्राह्मण, लेकिन जब वह द्वारका में अपने मित्र से मिलने पहुंचे और जैसे ही भगवान को पता पड़ा उनके मित्र सुदामा आए, भगवान नंगे पांव सिंहासन छोड़कर द्वार तक दौड़े चले और अपने मित्र को जो फटे हाल कमजोर अवस्था में था उसको गले लगाकर कुशल क्षेम पूछा और अपने महल मिलाए। हमेशा मित्रता ऐसी होनी चाहिए। कथा विश्राम के पूर्व महेश्वरी समाज की ओर से पूर्व अध्यक्ष सुरेश राठी, डॉक्टर रमेश लखोटिया, प्रहलाद परवाल, ओम प्रकाश लखोटिया, जवाहर लखोटिया, मनोहर परवाल और पश्चिमांचल के प्रतिनिधि नीलेश राठी और वर्तमान समाज अध्यक्ष गोपाल परवाल ने व्यासपीठ व भागवत महापुराण की पूजा अर्चना कर समस्त संगीतकारों एवं भगवताचार्य श्री शर्मा का सम्मान किया। महिला मंडल की ओर से पूर्व अध्यक्ष पुष्पा लखोटिया, शशिकला राठी, वर्तमान अध्यक्ष अनुराधा परवाल, शशिकला परवाल, किरण लखोटिया, मंजू लखोटिया, उषा परवाल, शिल्पा राठी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति ने व्यासपीठ व भागवत महापुराण का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर आरती उतारी। वडनगर से श्याम पुरोहित की रिपोर्ट। कंठी माला हमारे देश वालों कंठी माला मारे लागे भाई पति को मारे लागे भाई पति को रामो चालो सतगुरु मिलता जाओ वो सतगुरु मिलता जाओ हरियाली माता गुरु।